या तेरी दुनिया पूजा करे लेकिन हमें कोई ना पूजे। तो मैया बोली हमारी पूजा कब होती है? बोले दीपावली के दिन। जवाब दो जा, दीपावली से 11 दिन पहले तेरी पूजा होगी। माताओ दीपावली से 11 दिन पहले त्योहार हो तो कौन सो? करवा चौथ। मैया बोली जा, दुनिया के जितने उल्लू है ना सब करवा चौथ के दिन पूजे जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। कछु तो समझ गए, कछु घरे जाए समझे। कौन से पुराण में लिखी कि करवा चौथ पासी रहो? इन्हें 10-20 हजार रुपया चाहिए शॉपिंग के लिए। कोई पैसा वाले हैं तो बढ़िया अंगूठी दे दें और चेन वेन बनवाए दें। कहते हैं कि जिस दिन करवा चौथ होती है उसी दिन रावण की 13वीं हुई थी। और सुनो कछु कछु पति तो ऐसे हैं, अगर जे व्रत रहे ना तो जे काती तुम्हारी कसम सवेरे तो कछु नहीं खाओ, तुम पोछा लगाए तो बेचारे लय पोछा आंगन में लगा दो घूमे रहे। हाँ हमारे लिए उपासी अगर ना लगे तो हम आइए हमारी गोविंदा नमो नमा होनी। तो ऐसे ऐसे वैसे हाँ तो ठगी कौन कौन रहती है देखो। सही उम्र बढ़ रही उनकी, बोले नई साड़ी नए सिंदूर एकदम जो भी होता है सब मंगाएंगी। बोले हम तुम्हारे लिए व्रत है, व्रत रहो पूरे दिन, लेकिन वो सब जो है वो तो पहनो कम से कम। काय उनके 10-20-50 हजार रुपया खर्च करवा दिए। बोली बाल कृष्ण भगवान की, महाराज बड़ो समझायो लेकिन कहा माने। संकल्प करने के लिए खड़े हुए राजा